ओवैसी की कार पर फायरिंग, कौन है जिम्मेदार? यूपी चुनावी कार्यक्रम के बाद मेरठ से दिल्ली की ओर रवाना होने के दौरान छिजारसी टोल प्लाजा के पास उनकी कार पर हमला हुआ और 3-4 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस जांच शुरू की है। कल रात तक एक सचिन नामी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। ओवैसी पर हमला हुआ, इसके जिम्मेदार कौन है? एक सांसद पर हमला होना कानून के लिए बड़े शर्म की बात है। पार्टी ने कहा कि हमलावरों ने पीछा कर उनके काफिले पर फायरिंग की। मोदी सरकार और राज्य सरकार दोनों को कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि इस मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाए। एक सांसद हमला यानी राष्ट्रहित पर हमला है। बताया जाता है कि इस घटना के पीछे किसी कट्टरवादी शत्रुओं का हाथ हो सकता है। घटने को लेकर पंत प्रधान नरेंद्र मोदी खामोश क्यों? असदुद्दीन ओवैसी आज संसद में अपने काफिले पर सुरक्षा उल्लंघन और हमले का मुद्दा उठाएंगे। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर चर्चा के लिए ओवैसी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करेंगे। इस बीच असदुद्दीन के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी दिल्ली देर रात पहुंचे हैं।